हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ एसर क्रेडिट वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? होप आप सभी अच्छे एंड सेफ हैं। तो आज का वीडियो है होली स्पेशल, जैसा कि आप समझ गए होंगे थंबनेल देख करके। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि हमारी पूरी सोसाइटी कैसे कृष्ण जी के साथ फूलों की होली खेली और हमने अपनी होली कैसे सेलिब्रेट की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली राधिका रानी और श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए होलिका दहन के एक दिन पहले हम भी इस्कॉन गए राधा कृष्ण जी का दर्शन करने। और यहाँ आप देखिए, उसी दिन रात में हमारी सोसाइटी में फूलों की होली हुई थी राधा कृष्ण जी के साथ। और मैं गुजिया बनाने की तैयारी में लग गई। और यहाँ देखिए, मेरा गुजिया बन करके तैयार हो गया। और आज है होलिका दहन, यहाँ पर आप देखिए सभी होलिका गा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैं बड़ी रख रही हूँ। हमारे यहाँ आज के दिन बड़ी रखते हैं और हुमाद रखते हैं। यहाँ देखिए, और भी लोग पूजा कर रहे हैं। और ये देखिए, हमारी होलिका को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। और यहाँ देखिए, ढोल बजा करके पूरी सोसाइटी वालों को बताया जा रहा है कि अब आप लोग नीचे आ जाइए, होलिका दहन का टाइम हो रहा है। होली के शुभ अवसर पर हमारी सोसाइटी में एक कंपटीशन रखा गया था, जिसका टॉपिक था होली। हर एक टावर से एक बच्चा विनर बनने वाला था, बस यहाँ पर उसी का नाम सबके सामने बताया जा रहा है। और सी टावर से मेरी बेटी नायसा विनर थी। सी टावर नायसा रंजन, वेरी गुड, वेल डन बेटी, जाओ बेटा आगे, इतने ताली बजाइए आप लोग। सो विनर डिक्लेयर करने के बाद सभी सोसाइटी वाले होलिका के पास आ गए होलिका दहन के लिए। और होलिका दहन हो गया। इसका संदेश ये होता है कि भक्तों के लिए भगवान हमेशा उपस्थित रहते हैं। और सभी कढ़ी चावल और पकौड़ियाँ खा रहे हैं। आज के दिन हम लोग यही खाते हैं। तो आज है होली का दिन, श्री राधा कृष्ण जी का मनपसंद त्यौहार। तो मैं भी सुबह सुबह नहा धोवा करके यहाँ पूजा करने आ गई हूँ। श्री राधा कृष्ण जी के लिए मैंने यहाँ पर गुजिया, चूर्ण, दही, दूध सब कुछ रखा है। और साथ ही साथ मैंने उनके लिए गुलाल भी रखा है। तो सबसे पहले मैंने राधा कृष्ण जी को गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को भोग लगा दिया। यहाँ पे मैं श्री कृष्ण जी के हाथ से राधा रानी को गुलाल लगा रही हूँ। फिर राधा रानी के हाथ से श्री कृष्ण जी को गुलाल लगा रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा गुलाल श्री कृष्ण जी को और श्री राधा रानी जी को मैंने अपने हाथों से लगा दिया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा गुलाल मैंने सभी भगवान जी को लगा दिया। उसके बाद मैं नीचे चली गई। यहाँ एक
छोटे से ठेले पर बाल गोपाल को बैठाया गया है और उन्हें पूरे सोसाइटी में घुमाया जाएगा और उनके साथ पूरे सोसाइटी वाले फूलों की होली खेलेंगे। यहाँ पर उन्हें प्राइज मिल रहा है जो ड्राइंग कंपटीशन में विनर बने थे। सी टावर से नायसा रंजन, सी टावर से नायसा रंजन, नायसा कांग्रेचुलेशन। जितने बच्चे विनर बने थे उन्हें पिचकारी के साथ साथ एक गुलाल का पैकेट मिला था और जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उन्हें गुलाल का पैकेट मिला था। हर एक टावर से जो भी बच्चे विनर बने थे उनके लिए एक एक मटकी लटकाई गई थी, बस उन्हें ही ये दही हांडी फोड़नी थी। उसके बाद हमने मस्ती में रंगों की होली खेली। पेड बेसिस पे खाने पीने के लिए बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए गए थे। होली खेल करके थक जाओ तो आ करके पेट पूजा कर लो। तो भाई हम होली खेलते खेलते अब थक गए, अब हम भी आए हैं पेट पूजा करने और हमारी यहाँ पर मटन की पार्टी हो रही है। तो शाम में हम लोग सभी रेडी हो गए हैं अब गुलाल खेलने के लिए। हमारे साइड पटना में सुबह में तो हम लोग रंगों की होली खेलते ही हैं पानी वाली, और शाम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुलाल की होली खेलते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं।
तो अब हम जा रहे हैं अपनी भगनी के घर गुलाल की होली खेलने। अब हम वापस घर जा रहे हैं। पूरी मस्ती में हमने अपनी होली सेलिब्रेट की है। आपने अपनी होली कैसे सेलिब्रेट की प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।